सो हे गाइस, वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर, टास्क लेक्चर ऑफ द पाइथन बेसिक कोर्स बाय प्रो योर ग्रेड्स। तो लास्ट टू लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था कि वेरिएबल्स क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि जो पाइथन का जो कंपाइलर होता है उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में कवर किया था। डेटा टाइप में हम लोगों ने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग डेटा टाइप को कवर कर लिया था और वेरिएबल्स किसको कहते हैं वो कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप से रिलेटेड एक प्रोग्राम करने वाले हैं पाइथन कंपाइलर में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के बाद उसका जो आउटपुट मिलता है वो हम लोग आउटपुट कैसे लेते हैं। वो आउटपुट हम लोग लेते हैं प्रिंट फंक्शन से। एक पाइथन कंपाइलर जो हम लोग इंस्टॉल किए उसके एक अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है प्रिंट। फंक्शन क्या होता है ये डीप में हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर दिस लेक्चर ये कंसीडर कर लीजिए कि पाइथन हमें आउटपुट को पाने के लिए एक हेल्पर फंक्शन देता है जिसको हम लोग प्रिंट कहते हैं। प्रिंट की मदद से हम लोग अपने आउटपुट को ऑब्टेन करते हैं। अब उससे पहले अपने कंपाइलर की तरफ जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूज़र से हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं। तो हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए अगेन हम लोगों को पाइथन कंपाइलर एक इनपुट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन जो होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप का इनपुट लेता है। मतलब क्या कि जब हम लोग यूज़र से इनपुट फंक्शन की मदद से इनपुट लेंगे तो यूज़र कुछ भी इनपुट करेगा तो वो किस टाइप का रहेगा डेटा टाइप उसका, उसका डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इंटीजर टाइप का अगर इनपुट यूज़र से लें तो क्या करना पड़ेगा ना हम लोग को, हम लोग को जो स्ट्रिंग टाइप का जो इनपुट यूज़र से ले रहे हैं उसको हम लोगों को इंटीजर में कन्वर्ट करना कहेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है कि अगर हम लोग इस यूज़र से इनपुट में क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीजर में चेंज कर दे रहे हैं, तो इसी जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। सेम अगर हम लोग को यूज़र से फ्लोट वैल्यू लेना होगा तो फ्लोट वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर इनपुट फंक्शन की मदद से यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको टाइप कास्ट कर देंगे फ्लोट में। ओके, तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग द यूज़र फ्रॉम द इनपुट फ्रॉम द यूज़र इज क्लियर। और ये भी क्लियर हो गया कि टाइप कास्ट क्या होता है और यूज़र से हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं तो इंटीजर में फ्लोट में उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अब चलिए अब चलते हैं अपने कंपाइलर पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर किया था कि पाइथन जो आईडी है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इस आईडी में कुछ कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल होता है, यहाँ पे ये न्यू प्रोजेक्ट है, इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अपने प्रोजेक्ट नया बना सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करने का ऑप्शन दिया है। अगर कोई आपने पहले प्रोजेक्ट किया है उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर सेटिंग में जाके यहाँ पर अगर आपको ये मैंने डार्क थीम किया, अगर आपको थीम चेंज करना है ड्रैकुला या इंटेलिजे तो आप इसमें कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एडिट फंक्शन है, एडिट में आप क्या अंडो करना चाहते हैं, पेस्ट, कॉपी, व्यू एंड ऑल, ये सब फंक्शंस हैं, राइट। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने पाइथन फाइल को क्रिएट करते हैं। तो पाइथन फाइल जहाँ पर हम अपने कोड को लिखेंगे उसको क्रिएट करने के लिए जहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट का जो नाम लिख रहा है उस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पाइथन फाइल पर क्लिक करेंगे। पाइथन फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा कुछ निकलेगा कि आप अपने पाइथन फाइल को नाम क्या देना चाहते हैं। मैं अपने पाइथन फाइल को टास्क नाम दे देता हूँ। टास्क देने के बाद ये क्या हो गया, एक पाइथन डॉट पी वाई, पी वाई मतलब एक पाइथन फाइल क्रिएट हो गया जहाँ पर अपने अपने कोड को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होता है, एक कंटेनर होता है। तो बेसिकली मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग को डेटा टाइप का एक डेटा को स्टोर करूँगा। तो ग्रो योर ग्रेड्स नाम का मैंने एक वेरिएबल डेटा को इंस्टोर कर दिया है नेम वेरिएबल में। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल
क्रिएट करते हैं मनी नाम का, उसको हम लोग अपने एक फ्लोट वैल्यू का वेरिएबल, फ्लोट वैल्यू का डेटा हम लोग इसमें स्टोर करेंगे, लाइक 200.70, ओके। और हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं एज नाम का, जिसमें हम लोग अपने इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराएंगे, फॉर एग्जांपल 20। अब हम लोगों को इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो सिंपली ये देखिए PR लिखने पे प्रिंट का वैल्यू दे दिया, यहाँ पे नेम को प्रिंट कर दिए, उसके बाद मनी को प्रिंट कर दिए, उसके बाद एज को प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल बनाया, तीन वेरिएबल, नेम, मनी एंड एज। तो नेम क्या वेरिएबल है, किस टाइप का डेटा को स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप को। मनी किस तरह का वेरिएबल को, किस तरह का डेटा को स्टोर कर रहा है, ये फ्लोट डेटा को स्टोर कर रहा है। एज किस तरह के डेटा को स्टोर कर रहा है, ये इंटीजर डेटा को स्टोर कर रहा है। तो आपको अगर रन कराना है तो आप सिंपली यहाँ पर देखेंगे रन बटन का ऑप्शन दिया होगा, या फिर इस रन जो यहाँ पर लिखा है रन सैम्पल, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप क्लिक करेंगे कंट्रोल से F10, तो यहाँ पर आपको एक विंडोज दिखेगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया ग्रो योर ग्रेड्स। अब ये पूछ रहा है एंटर मनी, तो मैंने लिख दिया 3000.600। अब ये पूछ रहा है एंटर योर एज, तो मैंने कर दिया 40। अब मेरे इंटर दबाने के बाद ये जो फंक्शन यानी ये प्रिंट से आ गया, यानी कि इसके बाद क्या करेगा, जो जो मैंने वैल्यू दिया है वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू मैंने नेम में दिया था ग्रो योर ग्रेड्स, मनी दिया था 3000.600 एंड एज लिया था 40। यहाँ 600 में ये इस दो जीरो को इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि वो कंपाइलर क्या करता है कि वो अंडरस्टूड कर लेता है कि दो जीरो ऑटोमेटिकली है। सो दिस इज फॉर ऑल दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की मदद से हम लोग एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया।